हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। ये अमालगमेशन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यानी कि एसवाई बीकॉम और एसवाई बैफ के लिए। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते सब देखते क्वेश्चन क्या दिया। वापस से बैलेंस शीट ऑफ एलबी एंड एमबी आर गिवन टू यू। एक एलबी का बैलेंस शीट दिया, एक एमबी का बैलेंस शीट दिया। एलबी में पार्टनर अजय और सुजय और अंकुर और अंकित दो पार्टनर हैं। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इस कंपनी का कैपिटल रेशियो, जैसे इधर 40 कम तो 10:5 हो जाएगा, मतलब 2:1 हो जाएगा बराबर। और यहां की बात करूंगा तो भाई 40 कट हो गया, 6/4 2 जा 3 जा, मतलब 3:2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आए। तो इसका करना क्या, अभी खाली इंफॉर्मेशन है, हमने कैलकुलेट करके छोड़ दिया। बढ़ते आगे, दे डिसाइडेड टू अमालगमेट देयर बिजनेस with effect from 1st April 2014 as per the following condition. Name of new firm shall be Vani Trading Company Corporation. नए कंपनी का नाम है वन। आगे विजया बैंक टू बी रीपेड बाय एलबी। विजया बैंक का कुछ लोन वगैरह दिख रहा है, देखो ये कौन भरेगा, एलबी का है वो खुद भरेगा। मतलब क्या नया कंपनी लेके जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, 5% NSE not to be taken by the new firm. NSE 5% ये National Saving Certificate भी नया कंपनी लेके नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, इन शॉर्ट ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो किसके लिए, पीसी के लिए। पीसी कैसे कैलकुलेट होगा, एक होगा एलबी लिमिटेड, एक होगा एमबी लिमिटेड और एक होगा वानी लिमिटेड। आया नहीं, इसमें आपको पीसी कैसे मिलेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज बराबर है। चलिए देखते अब वो क्या बोलना चाह रहा है। तो विजया लोन नहीं लेगा और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गुडविल ऑफ एलबी एंड एमबी इज टू बी फिक्स एट 21 एंड 25। गुडविल एलबी का कितना बोला भाई, 21,000 और इसका 25,000, टोटल गुडविल क्या बात, 46,000। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते। उसके बाद ऑफिस प्रीमाइसेस आर वैल्यूड एट 99,000। देखो ऑफिस प्रीमाइसेस है क्या, ऑफिस प्रीमाइसेस किसके पास है, एलबी के पास, कितना है 90 का, बट वो कितने में लेके जा रहा है, यहां पे पीसी में 99,000 ही लिखेंगे। इसके पास तो इन ले 99,000, अरे समझा। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एलबी आर रेड्यूस बाय 9,000 एंड दैट ऑफ एमबी इज इंक्रीज बाय 5,000। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट, दोनों में स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड। एलबी का जो भी स्टॉक है कितना है, एलबी का स्टॉक 58 बोला, 9,000 रुपया कम कर दो, 49,000 और एमबी का स्टॉक 5,000 बढ़ा दो, कितना है भाई 44, 5,000 बढ़ा दो 49,000, अरे बराबर, तो कितना हो गया 91, 98। अरे बात समझा। हाँ, उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेब्ट फॉर बोथ द फर्म। दोनों फर्म के डेटर में 5% का बैड डेब्ट्स है, तो पहले डेटर्स लिख लेते। डेटर्स कितना है भाई, इधर 30,000, डेटर्स का वैल्यू है 30,000, यहां पे कितना डेटर्स 50,000। बैड डेब्ट्स कितना बोला है, दोनों पे 5-5%, तो बैड डेब्ट्स कहां चले जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे, अरे हाँ लाइबिलिटीज में आर डी डी, इसका 5% 1,500, इसका 5% 2,500,
टोटल हो जाएगा 2 + 3 = 4000। अरे हां समझा, 50,000 का 5%, 30,000 का 5%, क्लियर है ना। उसके बाद क्या है भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वॉज 1,80,000। टोटल कैपिटल नए कंपनी का, इससे अपना कोई लेन देन है क्या? नहीं, टोटल है 1,80,000 उसका कैपिटल, एंड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर विल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 30%, 20%, 30%, 20%, 3:2:3:2। अरे समझा, मतलब 1,80,000 को इससे डिवाइड करना है, ये कैपिटल नए कंपनी का है, पुराने कंपनी को इससे कोई लेन देन नहीं है। पिछले लेक्चर में याद करो अपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, ईच पार्टनर का कैपिटल दिया था 37,500, जबकि उनको आया कुछ और था, तो जो डिफरेंस था वो हमने डाला था करंट अकाउंट में। इधर क्या बोल रहा है, हाँ द डिफरेंस शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, इधर भी यही बोला है। समझ में आया, पिछले सम जैसा ही सिमिलरली है। आगे गुडविल अमाउंट रिटर्न ऑफ, अरे पिछले भी बोला था गुडविल रिटर्न ऑफ करने का है, इधर भी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, बट ये कौन करेगा, नया कंपनी पुराना कंपनी नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स, बराबर है, एंड अरेंज योर बैलेंस शीट बनाने का, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इतना इंफॉर्मेशन तो दिया था, बाकी कुछ नहीं बोला है, तो जैसा है वैसे ही। पहले चालू करता हूं कैश इन हैंड कितना है, 12,000, बट मैं 12,000 नहीं लिखूंगा सर। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में बोला है विजया का बैंक रीपे करने वाला है LB, तो विजया का जो लोन है कितना है, 10,000, ये LB खुद पे करेगा, तो पे तो जेब से करेगा कैश से, तो 12 में से कितने का लोन है, 10, 10 पे करके बाद कैश कितना बचेगा, 2, तो यहां पे मैं कैश कितना लिखूंगा, यहां पे कैश आ जाएगा 2,000। बात समझ में आया, एनी डाउट? इधर कैश है क्या, हां जी है, 16,000, टोटल हो गया 18,000, ये समझा, इधर 80,000, क्लियर समझा ये। उसके बाद पूजा क्या है देखो, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, तो यहां पे फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स, इधर है 20,000, इधर है 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए जैसा बुक वैल्यू दिया उसने में लिख दिया। ऑफिस प्रीमाइसेस हो गया, NSC नहीं लेके जाने वाला एडजस्टमेंट था, बोला था ना इज नॉट टेकन बाय न्यू फर्म, तो ये तो नहीं, तो सारे असेट्स हो गए, तो असेट्स का टोटल लेना पड़ेगा, टोटल ले लो, टोटल लाइबिलिटीज जब तक लिख लेते बाद में टोटल करो, चलो लाइबिलिटीज पे आते। क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, जैसा था वैसे लिख लो क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स, 50, क्रेडिटर्स 50,000, और इधर है क्या क्रेडिटर्स, हां जी 60,000, टोटल 1,10,000। उसके अलावा विजया लोन तो आएगा नहीं, कैपिटल आएगा नहीं, कैपिटल बस इतना ही है। चलिए आप बताइए इसका टोटल किसका, किसका, LB का 2,21,000, 1,50,000, टोटल आपको आना चाहिए 3,71,000, इसका टोटल 3,71,000 आना चाहिए, इसका टोटल 3,71,000 आया। यहां पे आते टोटल इसका 51,500, 62,500, इसका 1,14,000 आना चाहिए, दोनों को प्लस करके चेक करो। अरे समझा, आ जाते हैं पीसी पे, पीसी कैसे, 2,21,000 माइनस नहीं आ रहा है क्या, करके देखो, मेरे को तो दिख रहा है 2, 3, 4, 7 और 5, 11, 1,14,000 दिख ही रहा है मेरे को, तो मेरे को आंख से भी टोटल हो रहा है, 500 500, 1,000 1,000 और 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 हो गया, 5 और 6 = 11 होता है, बेसिक रेट आ रहा है अभी। चलो इसमें से माइनस 2,21,000 में 51,500 माइनस कर दो, 1,14,000
69,000 और यहां पे 87,000, ये उसका पीसी हो गया। टोटल चाहिए तो टोटल लिख लो, कितना निकालना तो निकाल, ऐसा कोई इसका हिसाब नहीं है। टोटल ले लो 2,57,000, माइनस करके चेक करो तो भी सेम, इसको ऐड करके चेक करो तो भी सेम, ऐड करके चेक करो तो भी वही आएगा। यहां तक अगर आप कर सकते हो तो भाई प्रॉब्लम सिंपल है। अब क्या करना है, अब ये नए कंपनी के लिए, ये एडजस्टमेंट नए कंपनी के लिए, ये एडजस्टमेंट नए, जो पुराने का था वो सब हमने सॉल्व कर दिया बराबर। अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग, एलबी से स्टार्ट कर, असेट्स खाली करेंगे, लाइब्रेरीज खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे और वो अपने आप मिल जाएगा बराबर है। असेट्स खाली करेंगे, असेट्स में क्या क्या असेट है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। खाली ध्यान रखना कैश 12,000 नहीं 2,000 लिखना, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो सब चीज को खाली करते, यहां पे मैं लिख दूंगा 2 sundry assets, अंडरलाइन करके। पहला है कैश, उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ऑफिस प्रीमाइसेस। कैश 2,000 क्योंकि 10,000 पे करना है। स्टॉक जैसा दिया वो सेम वैल्यू, जो वैल्यू दिया है वही 58, फिर डेटर्स 30,000, फिर फर्नीचर 20,000, फिर 90,000 टोटल 2,00,000 से कमी आएगा ना, अच्छा माइनस करके बोल रहे हो, ठीक है तो इसका टोटल ले लिया 2,00,000। असेट का टोटल कितना था 2,10,000, 10 कम किया तो 2,00,000 ही आएगा, बात समझ में आया। लायबिलिटीज खाली करते, क्रेडिटर्स खाली करेंगे, लोन खाली करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो पे हो गया, 10,000 पे कर दिया ना मैंने, तो क्रेडिटर्स ही खाली होगा और कैपिटल खाली होगा बराबर है। क्रेडिटर्स डायरेक्टली इधर लिख लेता हूं, बाय क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 50,000 एंड कैपिटल यहां पे नाम बदल दो, इधर नाम किसका किसका आ जाएगा, पहला अजय सुजय, अजय और सुजय, ठीक है। कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,50,000, बैलेंस शीट खाली हो गया। हां जी पीसी मांगेंगे, कितना पीसी मांगेंगे 1,69,500, किसके पास से मांगेंगे, न्यू कंपनी, और यहां पे न्यू कंपनी का नाम क्या है, वाणी कंपनी, अपने लिए इनकम होगा इसलिए क्रेडिट बाय वाणी कंपनी, कितना भाई 1,69,500, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1,69,500। अरे समझा, हा पीसी मांगा अपने आप मिल जाएगा, अब क्या क्लोजिंग करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग करने। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है देखो जरा, यही ज्यादा लग रहा है 2,10,000 के आसपास दिख रहा है मेरे को, ये 2,19,500, 2,19,500, वेरी गुड। तो यहां पे बैलेंस आ रहा है 19,500, इसे आप डिवाइड करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल में ए और एस, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में 2:1 में। अरे समझा, यहां पे कैपिटल रेशियो मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करोगे 6,500, इधर डिवाइड करो ना, डिवाइड बाय 3, 6 18, 5 15, 0 0, अच्छा बोलो 13,000,
6500 में वही बोल रहा था, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर्स, सॉरी सॉरी यस बाय रियलाइजेशन 13,000 6,500। अरे समझा, टोटल कर लो 1,13,000 56,500। सेम चीज यहां पे लिख दो, 1,13,000 56,500 टू वानी कंपनी 1,13,000 56,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय एस कैपिटल बाय एस कैपिटल 1,13,000 56,500 टोटल इसका आएगा 1,69,500। हो गया टैली, खत्म हो गया काम। अरे समझा, जैसा ये वैसा ही आपको क्या करना है सेकेंड कंपनी का। चलिए सेकेंड कंपनी का फटाफट सेकेंड कंपनी भी सॉल्व कर लेते। सेकेंड कंपनी का पीसी आपको मालूम है? हाँ जी, पीसी तो हमको मालूम ही है। आ जाते पीसी पे। आते हैं पीसी पे, इसका पीसी मालूम है अपने को? पीसी कहा है? 87,500 है ना। बैलेंस शीट खाली करेंगे अब इसका। इसके बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, सारे असेट्स को क्यों स्किप होएगा? वो नहीं लेके गए, हमारे पास हमारा चीज तो रहेगा ही ना, बराबर है भाई? विजय लोन मैंने पे किया, मैंने रखा ना, वो नहीं लेके गया, मेरे को क्या मतलब है उससे? ओल्ड कंपनी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसके बैलेंस शीट में तो दिखाना ही है, मतलब वो तो दिखाएगा। चलिए सारे असेट्स को खाली करेंगे, कैश स्टॉक डेटर्स फर्नीचर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सब असेट्स को खाली करेंगे। यहां पे टू सन्ड्री असेट्स अंडरलाइन करके, सबसे पहला है कैश, फिर स्टॉक डेटर्स फर्नीचर 5% NSC बराबर कैश 16,000 पूरा लिखेंगे, इसके पास कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं। फिर 44,000, फिर 50,000, फिर 10,000, 40,000 टोटल। आपको मालूम ही है उधर असेट का टोटल कितना? 1,60,000 असेट्स खाली हो गया। लाइबिलिटीज खाली करेंगे, लाइबिलिटीज में क्या क्या जरा चेक करते हैं, एक ही है क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो क्रेडिटर्स खाली करेंगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं बाय क्रेडिटर्स 60,000 एंड कैपिटल, इधर पार्टनर का नाम बदल गया, यहां पे पार्टनर ए और ए आया नहीं, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000 40,000। सिंपल है यहां तक? पक्का समझा? चलिए ठीक है, ये हो जाने के बाद अब क्या है? पीसी मांगेंगे। पीसी कितना है? 87,500। पीसी मांगेंगे तो बाय किससे मांगने वाले? वानी कंपनी 87,500। इधर क्रेडिट तो इधर का अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 87,500। अरे समझ में आया? पीसी मांगा, पीसी मिल जाएगा, मतलब करना है क्लोजिंग। और कोई एडजस्टमेंट तो इन्हें कौन से साइड का ज्यादा लग रहा है? 14, ये साइड ज्यादा है, ये साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर का ही टोटल ले लेंगे 1,60,000 कितना आ रहा बैलेंस? 12,500। इधर लिखूंगा मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल ए एंड ए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। समझाइए,
तो 3:2 में मतलब डिवाइड बाय 5 कर देना है, 7500 और 5000 इधर क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7500 5000, और कुछ नहीं। अब टोटल कर लेते 60,000 40,000 60,000 40,000 बराबर है। इधर बैलेंस आ जाएगा आपको 52,500, इधर बैलेंस आएगा 35,000 टू वानी कंपनी, यहां डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय एस कैपिटल बाय एस का, एक का है 52,500 35,000 टोटल 87,500 हो गया टैली, खत्म हो गया ओल्ड कंपनी। हर सम को ऐसे ही कर रहे हो ना, समझा। अभी न्यू कंपनी करना है, तो न्यू कंपनी में डायरेक्ट सॉल्व कर देता ये डायरेक्ट, बट नहीं, देर आर टू एडजस्टमेंट। कौन से कि भाई कैपिटल दिया 1,80,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ भी करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट तो बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया, बराबर है। तो यहां पे अपन रफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते, ठीक है। यहां पे आ जाएगा बैलेंस शीट और ये आपका मैं बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में कितने, 4, ठीक है। सेम यहां पे भी 4 अकाउंट ले लेते, ओके। पार्टनर्स का नाम था ए एस ए, ठीक है। सबसे पहला क्या करेंगे, इनका कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, इनका कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट, कौन सा बैलेंस लिखेंगे। तो देखो आपने कैलकुलेट किया है, ये इनका कैपिटल है, समझ में आया। तो इनका कैपिटल पहले वाले कंपनी का कितना था, तो ए और एस का 1,13,056,500, बराबर। भाई इधर मैं लिख लेता हूं, ए का 1,13,056,500, ये समझा। दूसरे इसमें कितना आया था, दूसरे वाले का आया था 52,500 and 35,000, तो यहां पे 52,500 35,000, पहला काम डन। अरे ये समझा, हाँ या नहीं, पक्का। क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया है, मुझे कहां दिया है, मैंने कहा देखो टोटल कैपिटल ऑफ वानी कंपनी कॉर्पोरेशन कितना है 1,80,000, तो भाई बैलेंस शीट में अपना कैपिटल कितना आएगा 1,80,000, यहां पे कैपिटल किसका किसका, ए एस ए ए, सबको मिला के टोटल कितना होने वाला है 1,80,000, हाया नहीं। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1,80,000 होना चाहिए, बट कैपिटल कैसे डिवाइड होगा, 30% 20% 30% 20%, हाया नहीं। तो हम इधर क्या करेंगे भाई, इधर कैपिटल निकालेंगे 1,80,000 का इनटू 30%, 1,80,000 का 20%, सबका सेम है ना, 30 20 30 20, इसका 30% वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 54,000 36,000। अब कैपिटल क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन, पहले वाले को 54,000, फिर 36,000 54,000, ऐसा ही बोला है ना, देखो पार्टनर के नाम के साथ बोला है, अजय सुजय अंकुर अंकित, सेम फॉर्मेट, बराबर बराबर। इधर क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट 50
36,000, यहां 54,000, 36,000, 54,000, 36,000, सब प्लस करो 1,80,000 आ गया, डन। कैपिटल का एडजस्टमेंट समझा, और एक एडजस्टमेंट दिया था क्या, गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी रिटर्न ऑफ, कितना था गुडविल, गुडविल का अमाउंट दिया ना, कितना है 46,000। गुडविल कौन से रेशियो में रिटर्न ऑफ होएगा, कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल इधर, गुडविल इधर, इधर इधर ही गुडविल है ना, कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है 3:2:3:2, समझा क्या, तो 3:2:2 मतलब 30% 40% है ना, सब तो सेम ही आने वाला है, तो आप क्या करोगे 46,000 का 30% और 20% निकाल लो सीधा सीधा, 46,000 का 30% कितना आ रहा है 13,000, और 46,000 का 30% एंड 46,000 का 20% 13,800। बस अब गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल होता है असेट, डेबिट में माइनस किया उधर क्रेडिट को, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, यहां पे लिखोगे टू गुडविल 13,800 बराबर 9,200, ये समझ गया, पिछले लेक्चर में भी ये किया था। अब क्या करना है मालूम, अब सिर्फ पोस्टिंग करने का, सारे एसेट्स, ऑफिस प्रीमाइसेस 99,000, तो ऑफिस प्रीमाइसेस 99,000, उसके बाद क्या है स्टॉक 98 बाय स्टॉक 98,000, उसके बाद फर्नीचर, सॉरी डेटर्स 80,000, डेटर्स जरा सबर कितना 80,000 लेस आरडीडी, क्वेश्चन में आरडीडी भी है, देखो यहां पे कितना है 4,000, तो 80 में से 4,000 माइनस करके डेटर्स का वैल्यू 76,000, समझा क्लियर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद कैश कितना है 18,000, कैश 18,000, उसके बाद क्या है, उसके बाद फर्नीचर 30,000, फर्नीचर कितना 30,000, अरे समझा, उसके बाद हो गया आरडीडी, क्रेडिटर्स कितना 1,10,000, क्रेडिटर्स 1,10,000, ये समझा। उसके बाद पीसी, मैं बोलूंगा ये नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि इसी के जगह पे आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, उसमें कैपिटल डाल दिया है, पीसी नहीं लिखेंगे, बात समझ में आया। अगर कैपिटल नहीं दिया होता तो जो पीसी का अमाउंट है, ये जो पीसी का अमाउंट है, इसके जगह पे आपको कैपिटल का अमाउंट आया था, आप देखो यही सेम अमाउंट है ना जो कैपिटल के अंदर है 87,500, 1,69,500, वही अमाउंट है ना, अरे हाँ, तो उसको आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हो, अगर कैपिटल नहीं दिया रहता तो यही कैपिटल आप यहां पे लिख देते और वो टैली हो जाता, बात समझा। बट इधर हमने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। अब क्लोजिंग करते देखते कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 1,13,000 यही ज्यादा है, फिर ये 56,500, 9,000 यही ज्यादा है, फिर 54 और 13, 52 मतलब ये ज्यादा है, 35, 36 ये ज्यादा, मतलब बाकी दो में ये ज्यादा है और इन दोनों में ये दोनों ज्यादा है, तो इसका टोटल ले लो 1,13,000, अरे हाँ 1,13,000, ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा 2
करंट अकाउंट कितना 45,200, इधर 56,500, 11,300। अरे समझा, इस केस में ये दोनों साइड का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल ले लो 67,800, देखो 67,800 मैंने किया, बाकी आप देख लो करके, नहीं अलग आ रहा है, चलिए शुक्रिया, 67,800 माइनस कर देंगे बाय करंट अकाउंट 15,300, इधर का टोटल 45,200, क्या बात, 45,200 बैलेंस 10,200 आ गया। जो डेबिट में आया है वो जाएगा क्रेडिट में, जो क्रेडिट में आया वो जाएगा डेबिट में, तो यहां पे आ जाएगा करंट अकाउंट, अंडरलाइन करके अजय और सुजय इन दोनों का है 45,200 एंड 11,300 टोटल प्लस कर लेते इसका 56,500। अरे बराबर, इधर आ जाएंगे करंट अकाउंट ए और ए 15,300 एंड 10,200 टोटल आएगा 25,500। चलिए देखिए टोटल करके टैली हो रहा है क्या, फटाफट एक जन इस साइड का टोटल एक जन उस साइड का टोटल ले लो, देखो टैली हो रहा है क्या, 1,80,000, 2,90,000, 2,90,000 और 56 है, और उस इधर का 3,00,000 एसेट साइड का टोटल सेम है, चलिए 3,46,500 डन। समझ में आया, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पहले सम में थोड़ा सा डर लगता है, बड़ा लग रहा था, अब तुमको लग रहा है ये तो खाली पोस्टिंग ही करने का, समझ में आया, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। और ये टॉपिक अच्छा है, क्यों अच्छा मालूम है, पीसी पे खाली फोकस करो, बाकी सेम चीज है, आज ये दो बार मैंने इसलिए कराया और एक दो बार ये करवाऊंगा, एक बार ये भी कॉन्फिडेंस आ गया तो काम खत्म हो गया तुम्हारा अमालगम मिशन, क्लियर है पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।